आगे बढ़ाते हुए रिवायतों में मिलता है कि जब रोजे मैशर होगा तो कुछ लोगों से कहा जाएगा कि जन्नत में चले जाओ, वो लोग इबादत गुजार होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें कहा जाएगा कि ठहर जाओ और लोगों की शिफात करो, वो अलमाए कराम होंगे। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि हमारे दरमियान भी ऐसे आदमी दिन मौजूद हैं जो आप और हम सब की खिदमत कर रहे हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल व मसाइल आप हजरात के सामने मुसलसल बयान करते हैं। मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए, आप हजरात बुलाए बुलंद नारे शरबत से। इसमें
मोमिनीन से कहा जा रहा है बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बकियतुल्लाह बेहतर है। अच्छा शर्त लगा दिया, अरबी जबान में एक शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, तुमने मुझे यह दिया कि मैं तुम्हें यह दूंगा। अरबी जबान में यह होता है कि इन शर्तिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर कि तुम मोमिन हो तो बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए है, जब मोमिन ही नहीं हो तो याद रखना यह अकीदा तुम्हारे लिए खाम ख्याली होगी, लेकिन मोमिन हो तो याद रखो खैर है तुम्हारे लिए, और अगर मोमिन नहीं हो तो तुम्हारे खैर नहीं होने वाली बल्कि तुम्हारी खैरियत नहीं होने वाली। तुम्हारे हक में खैर है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर जो तुम मोमिन हो, अगर मोमिन नहीं हो तो खैरियत नहीं है, खैरियत। लेकिन बकियतुल्लाह का लफ्ज ही वही है, ईमान का वो लफ्ज है जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। अब यहां मुझे इसकी तफसील में नहीं जाना, मुझे तफसीलात बहुत ज्यादा है, फकत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि सलाम का ये रिवायत इमाम बाकिर अलैहि सलाम से है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ुहूर के बाद ये जो आयत का टुकड़ा है और इमाम ज़ुहूर करने के बाद सबसे ये कहेंगे अना बकियतुल्लाह, मैं बकियतुल्लाह हूं व अना खलीफतुहु और मैं उसका खलीफा हूं। सारे खलीफा एक तरफ हो जाएंगे, अल्लाह का खलीफा बकियतुल्लाह बनकर जमीन पर लाहिर हो जाएगा। लेकिन अभी 2017 में एक साहब है, उन्हें इकरार हो गया सऊदी अरब में, सलमान की बेटी जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने बड़ा खुराफात मचा रखा है मक्के और मदीना उसके अतराफ में जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। अब एक शहर बना रहे हैं, एक शहर बना रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर हूबहू खाने काबा की तरह, पता नहीं आपके तरफ वो वीडियो वायरल हुआ पहुंचा कि नहीं पहुंचा आप तक, एक शहर बना रहे हैं दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट पॉपुलर सिटी में उसका शुमार होगा, सारी जरूरियात जिंदगी वहां मौजूद होंगी, और वहां एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को कहा जा रहा है खाने काबा की शबी है। याद रखना कल खाने काबा की शबी बनाने वाला एक अब्राहम था, अब न रहा, शहर में अब रहा था जिसने यमन में खाने काबा बनाया था, लेकिन जब खाने काबा को ढाने के लिए आया और कहा कि मेरा काबा रहेगा तो, लेकिन कल अब रहा था, अब रब रहा मौजूद नहीं है, जिसने कहा था अब न रहा, की बात है कि जब साहब ये एक अकीदा लेकर आए थे, वो अकीदा क्या है, इमाम महदी का अकीदा है, वो इतराज आपको पता है किसका इतराज कर रहे हैं, इमाम महदी का अकीदा है और ये अकीदा कहीं से साबित नहीं है। इस कौन कर रहे हैं, प्रिंस जो मैंने कहा मोहम्मद बिन सलमान जिनका नाम लोग कहते हैं, ये तो उनका मनगढ़ंत अकीदा है, कुछ भी लेके चले आते रिवाजी मुनाजर ने पेश किया कि देखिए आप कुछ भी बोलते थे, तो अली भाई ने कहा कि नहीं देखिए तरीन हमारे पास है, और याद रखिएगा कायनात में उम्मत मुस्लिमा में वही उम्मत और वही मसलक कामयाब है जो दलीलों से बात करे, इसलिए कि बगैर दलील के बातें नहीं होती, दावा है तो दलील पेश करना होगा, दलील नहीं है तो दावा अदालतों से भी खारिज कर दिया जाए। छुपा रखा है महदी को, शायद पढ़ा होगा आपने,
2017 की बात है, हम उस वक्त लेबनान में थे और लेबनान में ये चीज वायरल जब हुई तो जब जमातें पहुंची वहां पर तो सैयद हसन नसरुल्ला ने चीफ ऑफ हिजबुल मुमिनीन उन्होंने भी कहा एक साहब है जिन्हें इतराज होता है कि बकीयतुल्ला या महदी मौकूद, इसीलिए इमाम का लकब है महदी मौकूद, मौकूद से कहते हैं जो पलट कर आएगा, आधा या उदो से बनाया है पलटने वाला, पलटता वही है जो पहले कभी रहा हो। इन्होंने कहा कि देखिए ये तो अकीदा ऐसा है कि जो मनगढ़ंत अकीदा है। अब वहां असल रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह ने किताबों से हवाला निकाला, सही तिर्मिजी और तमाम सही से वो किताबें निकाल के लेकर आए, कहा देखिए इस किताब में है और इस किताब में है और इस किताब में है, महदी का अकीदा ये मनगढ़ंत अकीदा नहीं है, याद रखना महदी को ना तुम्हारे बाप दादा रोक सके थे ना तुम्हारी आने वाली नस्लें रोक सकेंगी। वादा है कि दुनिया जब तुम से भर जाएगी तो आज के नमाज के लिए महदी का रो। वाह 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 हमारे हिंदू भाइयों का एक किताब है कल्की कुरान के नाम से, और ऐसे बहुत सारे वक्त नहीं हमारे पास कि एक तफसील बहस थी मेरे पास जो है तो मुझे पेश करनी थी, ज्यादा हो चुका है लिहाजा में हर कौम के हवाले से महदी मौजूद की दलीलें आपके सामने पेश करता हूं। कहा जाता है कि कल्कि भगवान जो है, कल्कि महाराज अब जो भी कह रहे थे वो एक कुरान है, कल्कि कुरान जो लोग नहीं है वो गूगल कर लेंगे उन्हें मालूम होगा, जो जिनके दोस्त वगैरह होंगे उनसे मालूम कर लेंगे कल्कि कुरान मौजूद है और उनका मंदिर भी है, लेकिन वहां किसी किस्म की कोई मूर्त नहीं है। कहते हैं कि जब दुनिया अत्याचार से भर जाएगी, जब अत्याचार बढ़ जाएगा तो अत्याचार का विनाश करने के लिए कल्कि भगवान अवतरित होंगे। अब उसके आगे पेश कर रहा हूं, जब वो अवतरित होंगे तो उनका अवतार और उनकी सवारी जो होगी वो घोड़ा होगी, उनका हथियार तलवार होगा। अब तलाश कर ले किसी की सवारी घोड़ा नजर नहीं आता। पता नहीं आपको तो जहन में साथ है कि नहीं, अगर एक लम्हे में तसव्वुर कर ले तो किसी का किसी की भी सवारी जो है इस सिलसिले में घोड़ा नहीं है और न किसी का हथियार तलवार है, किसी का चक्र है, किसी का कटार है, किसी का बड़ाता है, किसी का तीर कमान है, तलवार किसी का नहीं है। बताना यह है कि हर कौम और हर धर्म के लोग एक ऐसे अवतार के इंतजार में है जो दुनिया से अत्याचार को खत्म करके दुनिया में अदल का निवास करे। अजीजों उन्हें कल्कि भगवान कह लो, महदी मुंतजर कह लो। अजीजों याद रखना दुनिया में इमाम ज़हूर करेंगे, और यही वजह है कि जब कहा गया कि महदी को ईरान ने तेहरान में छुपा रखा है तो हसन नसरुल्लाह ने कहा कि तुम कहां पड़े हुए हो, याद रखना ईरान से महदी नहीं आएंगे। बात कहां से कही जा रही थी? सऊदी अरब से, मक्का मदीना के अतराफ से। हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि तुमने ये कहा कि ईरान ने महदी को छुपा रखा है और हम महदी से जंग करेंगे तेहरान पे जाकर, तो मैं एक जुमला यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि आज 9 साल हो गया यमन में महदी के चाहने वाले अंसारुल्लाह से जो जंग न कर सके वो महदी से क्या जंग करेगा। परेशान ना होना, वो तेहरान से नहीं आएंगे, ना वो तेहरान से आएंगे, ना वो बगदाद से आएंगे, ना वो तमिश से आएंगे, ना वो बेरूत से आएंगे,
بلکہ وہ مکہ سے آئیں گے, اور جب مکہ سے آئیں گے تو ظلم کی پساد الٹ کر آئیں گے اور عدل کے نفاذ کے لیے خدا ان کی حفاظت کرے گا. نہ تم نے روک سکتے ہو نہ تمہاری آنے والی نسلیں روک سکتے. جب وقت معین آئے گا امام ظہور کریں گے, نہ اس کا تعین کرنے کے لیے کسی کو کہا گیا کہ اس ڈیٹ کو آنے والے حالات پریشان کر ہو گئے. کچھ منظوموں نے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اب آخری وقت ہے اور دنیا تباہ ہونے والی. شاید یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں آتی ہوں مختلف پیرایا مختلف حوالوں سے. اکثر ہر دو تین چار پانچ سال کے بعد جو ایک سلسلہ آتا ہے کہ پلا ڈیٹ آنے والی ہے کہ دنیا از فنشڈ, دی ورلڈ از فنشڈ. کیوں بھائی؟ کچھ ہونے والا ہے, دنیا فنش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. اچھا تو جب میں ہلور میں تھا تو وہاں کچھ نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا سے 2014 کی بات ہے, جب وہ اکتوبر یا نومبر سال میں دو بار یہ سلسلہ اور یہ افواہ اڑی دنیا پلا ڈیٹ کو ختم ہو جائے گی, سماپت ہو جائے گی. تو مولانا میرے پاس ہے جو ڈنگ سیکورٹی آنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے. جب ذہن میں سوال آئے اس سوال سوال کو رکھنا نہیں چاہیے. سوال آتا ہی اسی لیے ہے کہ پوچھا جائے. اسی لیے تربیت اولاد کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ جب بچے پوچھیں تو بتائیے. تب جب سوال آیا میرے پاس, سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو دنیا تک پہنچ جائے گی, کہنے دیجیے. کا سوشل میڈیا نے پورا کھایا ہوا ہے, الیکٹرانک میڈیا چیز چیز کر کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو امام فلاں تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی. کہنے دیجیے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ امام کے حوالے سے جو کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب وہ پریشان ہونے دیں, ارے دنیا تباہ ہو رہی ہے, آپ کہیں پریشان نہ ہو. ہم نے کہا پریشان وہ ہو جس نے نبوت کے بعد قیامت کو مان لیا, نبی کے بنائے ہوئے علی کو مانا ہے. وہ کبھی قیامت کا منتظر نہیں ہے بلکہ وہ امام کا منتظر ہے. اسے معلوم ہے کہ پہلے ظہور امام آئے گا, بعد میں قیامت آئے گا. بس انہی کلمات کے ساتھ امام کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے, اپنے کردار کے سلسلے سے, اپنے اعمال کے سلسلے سے. تقریباً جو کہا گیا کہ 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ناممکنات 100% صرف 14 معصومین ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم صحیح ہیں. لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اسی کوشش بندے بار بار یہ میم کی وجہ سے جملہ بھی آتا ہے, کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. جو کوشش کرتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے, اور جو کوشش نہیں کرتا ہے اس کے لیے وہی جملہ ہوتا ہے وسیم بھائی نے کہا, ارے باپ رے باپ. نہ کوشش نہ کرنے والوں کے لیے وہی معاملہ ہوتا ہے. لہذا ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مختصر سے پروگرام کو قبول فرمائے, تمام مومنین کی حفاظت فرمائے, نوجوان اس کام کے لیے مختلف علاقوں میں نکلے ہوئے پروردگار ان کی جان مال عزت پروردگار ان کے مقاصد میں کامیابی پروردگار اس عمل میں خلوص ذرا برابر کی ہے اس خلوص کو قبول فرما. اگر کچھ کمی ہے پروردگار عالم, کچھ کجی ہے تو ارحم و راحمین ہے, اس کمی اور کجی کو دور فرما. پروردگار عالم ہمیں زمانہ کے تعلیم فرما اور اللہ تعالیٰ مجھے ناس کو مددگار نے فرما تو آپ کو محمد وآلہ 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 وآلہ. ہم مولانا صاحب کے اور تمام مومنین بلیا کے شکرگزار ہیں, صاحب نے ہماری آواز پر دیکھا اور تمام مومنین کی طرف سے جو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اس کے لیے بہت بہت شکرگزار ہیں. اس کے ہم یہ بھی چاہتے ہیں, ہم لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مومنین جو ہے تمام لوگ جو ہے وہ امام کی راہ میں چلے, امام سے متصل ہو جائے. ہم لوگ کی کوئی اوقات نہیں ہے, ہم لوگوں کی کوئی حساب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے حضرت کا نام بھی لے سکیں. بس یہ حضرت نے توفیق دی اور اس توفیق میں حضرت کی اضافہ کرے اور آپ تمام مومنین کی اضافہ کریں.
परवरदिगार आलम से और दुआ के साथ में जश्न को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। तमाम मोमिनों को है और इस तरह आओ बिल्लाह ने शैतान ने रही रजी ने सीखा और नाम दिए اللهم كل ولي قلب رجع جلد الرسل صلواتك عليه وعلى آله في هذا السفر وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه أرضك قوى وتمتعه فيها قليلا ليلى محمد بعد एक ऐलान तमाम फरमा रहे हैं कि हम लोगों की ना अलमुंतजर टीवी करके एक वेबसाइट है और अलमुंतजर जो है मैगजीन हमारी छपती है माए शाबान में और पाए मुहर्रम में दो बार काम में दो बार छपती है। तो जिन हजरात को ये मैगजीन अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर आएगी ये मैगजीन उसके लिए आपको जो इस नंबर दिया हुआ है क्यू आर कोड भी है और उसका व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है आप उस पर सिर्फ अपने व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो एड्रेस पता अपना पिन कोड के साथ में नाम एड्रेस पता पिन कोड के साथ में आपको भेजना है मैसेज करना है। जब आप मैसेज करेंगे तो आपके घर पर वो साल में दो बार माए मुहर्रम में और माए शाबान में दो शुमारे छपते हैं इसलिए आप उनको अपने घर ये वेबसाइट क्यू आर कोड है हम यहाँ पर चिपका देंगे आप जहाँ भी मोमिन को आसानी से हासिल हो सके कार्ड हम यहाँ पे लगा कर जाएंगे तो आप इसको जो है इसके जरिए से भी आप इस वेबसाइट पे जो सारे गुज़श्ता की जो तकरीर है अशआर वगैरह है सुरूर है बच्चों की कुछ फिल्म वगैरह है जो इमाम ज़माना साहब से मुलाकात के मुताबिक बनाई गई है वो फिल्म आप देख सकते हैं बच्चों को भी देख सकते हैं बच्चे इधर उधर की चीज़ें देखते हैं उससे अच्छा कि ये फिल्म जो है उनको डाउनलोड करके दे दें वो आराम से जो है देखें इमाम ज़माना साहब से मुताबिक जो है लिहाजा ये आप जो इस किताब को इस जो है इसको भी मैगजीन को भी अपने हासिल कर रहे हैं।